आरोपियों का अब तक सुराग ही नहीं मिल पाया। फोटो आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 6 लाख रुपए की लूट हुई है। मास्क और रेनकोट पहने बदमाशों ने फायरिंग की थी। कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर फरार हो गए थे। बैंक में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, बावजूद इसके अभी भी हाथ खाली हैं। पुलिस के अब तक सुराग नहीं लग सका है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आखिर क्या वजह है जो अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? क्यों नहीं पता चल पाया कि कौन था वो लुटेरा, कहां से आया था, कहां गया? 6 लाख रुपए की लूट। देखिए, लगभग 12 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अलग अलग लोकेशन पर जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे वो तस्वीर को कंगाल रही, यानी जो बदमाश का हर एक मूवमेंट आगे की तरफ गया है उस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। सिर्फ इतना ही पुलिस को पता है या पुलिस कह रही इस बात को कि जिस तरीके से वो आया था, जो बंदूक उसके पास थी, उस अक्सर वो बंदूक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये आशंका है कि सिक्योरिटी गार्ड ने इस डकैती की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सिर्फ एक ही बदमाश ने 9 मिनट के अंदर 6,64,000 रुपये लूट कर डकैती डाल के बकायदा फरार हो गया। और उस वक्त बैंक के अंदर 11 कर्मचारी मौजूद थे, ग्राहक भी बैंक के अंदर मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं थे। और बड़ी लापरवाही सामने आई है, सुरक्षा के लिए ना वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना वहाँ का अलार्म भी जारी था, यानी जो सायरन है, अगर बैंक के अंदर कोई घटना होती है और उस वक्त आप पे जो एक सायरन दिया गया था कि सायरन का बटन दबा दे तो आसपास अलर्ट हो जाए, थाने में भी वो सूचना पहुँच जाए, लेकिन वो भी बंद मिला। तो तमाम ये जो चीज़ें हैं वो सामने आई है, यानी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे सब कुछ पता था, बेहतर तरीके से उसे पता था कि कितने बजे कितने कर्मचारी रहते हैं, कितने बजे भीड़ रहती है, कितने बजे पैसे का कलेक्शन होके जो हेड ऑफिस जाता है उसे सब कुछ पता था। यानी प्लानिंग के तहत पे उसने डकैती डाली, 6,64,000 रुपए लेकर अपनी आई स्मार्ट बाइक से वो फरार हो गया। हालांकि अब एक नया सीसीटीवी भी सामने आया जिस पर थोड़ा सा वो क्लियर नजर आ रहा है, और वहां पे पुलिस को लग रहा है शायद ये विजयनगर से भवर कुआं की तरफ का मूवमेंट हो सकता है, या क्योंकि वो बड़ा स्क्वायर है, वहां से कई जगह के अलग अलग रास्ते जाते हैं, इसलिए पुलिस को लगा अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। आगे के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, चलते चलते आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंदौर की पुलिस क्या कर रही है। इंदौर में डकैती, हत्या और तमाम जो बड़े गंभीर अपराध है, राह चलते लोगों के मोबाइल लूटे जा रहे हैं, चेन स्नेचिंग की घटना सामने आ रही है, डकैती की पिछली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे आज तक पुलिस एक्सपोज नहीं कर पाई है। कि पुलिस के ऊपर जब दबाव था तो कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन महज 2 घंटे के अंदर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया, कहा ये वो अपराधी नहीं है, ये वो आरोपी नहीं है जिसे आपने डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया है, तो आरोपी भी छूट चुका है। तो तमाम इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, और खास तौर पर पुलिस चिंता की बात है कि इस तरह से क्यों आखिर लूट और डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, और इसमें पुलिस के हाथ सबसे बड़ी बात अभी भी खाली है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल को अब भिखारी मुक्त करने की तैयारी है। 8 एसडीएम, तहसीलदार और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी सर्वे में जुट गए हैं। सर्वे के तहत सभी भिखारियों की प्रोफाइल बनाई जा रही है। आपको बता दें कि गोविंदपुरा इलाके में तो सबसे ज्यादा भिखारी चिन्हित किए गए हैं और अधिकांश भिखारी गांधीनगर के रहने वाले हैं। 3 दिनों तक चलने वाले सर्वे अभियान के पहले दिन 200 से भी ज्यादा लोग भीख मांगते मिले हैं, और अब इनका सर्वे किया जा रहा है क्योंकि इंदौर तो अब भिखारी मुक्त सिटी बन ही चुका है, लेकिन अब भोपाल को भी भिखारी मुक्त सिटी बनाना है, और इसके लिए प्रशासन की तरफ से सर्वे किया जा रहा है। 3 दिन तक सर्वे अभियान चलेगा कि कहां कितने भिखारी बैठते हैं, कितने की संख्या में बैठते हैं, कौन सा ऐसा शहर इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा भिखारी पाए जाते हैं। एक सर्वे बनाया जाएगा, एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद जो है एक्शंस लिए जाएंगे ताकि प्रदेश को, ताकि इस शहर को, राजधानी को भिखारी मुक्त राजधानी बनाया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो देश की ऐसी पहली राजधानी होगी भोपाल जो कि भिखारी मुक्त होगी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। वासु, भोपाल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मिशन है जिस पर प्रशासन काम कर रहा है, सर्वे बनाया जा रहा है ताकि भिखारियों को चिन्हित किया जा सके कि कहां कितने भिखारी है। क्या है ये पूरा सर्वे, विस्तार से बताइए। बिल्कुल,
बिल्कुल अंशिका, देखिए राजधानी भोपाल में लगातार दिन पर दिन ये देखने में आ रहा है कि जो भिखारियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आए दिन मंदिरों के सामने, धार्मिक स्थलों के सामने, सार्वजनिक जगहों में, मार्केट्स में, सिग्नल में अक्सर जो भिखारी हैं वो वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं ये यातायात में बाधक भी बनते हैं और लोगों को भी खासी परेशानी होती है और इससे शहर की साख पर भी एक धब्बा लगता है। तो अब प्रशासन की ये कोशिश है कि इन भिखारियों का बेहतर रूप से सेटलमेंट किया जाए, इस तरीके की योजना बनाई जाए कि उनका भी बेहतर रूप से जीवन यापन हो सके और लोगों को भी किसी तरीके का अवरोध ना हो और जो एक शहर की गरिमा होती है वो भी बनी रहे। और ये सरकार का, प्रशासन का कहीं ना कहीं दायित्व भी होता है कि देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसको रहने के लिए, जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। तो इसी लिहाज से जो पहले वो की गई है, नगर के अलग अलग जो SDM है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, सर्वे का काम शुरू हो गया है, जल्द ही इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर फिर इनको किस तरीके से आने वाले समय में बसाने का काम करना है और क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करानी है, सरकार की योजनाओं को कैसे लाभ देना है, तो ये सारी चीजें जो है वो सुनिश्चित की जाएंगी। अंशिका, बहुत शुक्रिया वास्तु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अभियान हम इसे कह सकते हैं, भिखारियों की प्रोफाइल बनाई जा रही है, इसमें 8 SDM से लेकर तहसीलदार जो है सर्वे में जुटे हैं। दतिया में मरीज भगवान भरोसे हैं, बिजली कटौती के चलते भांडेर अस्पताल में रात के दौरान अंधेरा हो जा रहा है और टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का किसी तरह इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में लगा सोलर पैनल भी कई दिनों से खराब पड़ा है और उमस के चलते अस्पताल आने वाले मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अशोक शर्मा संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अब ये अस्पताल भगवान भरोसे ही है, यहाँ जो धरती के भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं वो भी भगवान के भरोसे नजर आ रहे हैं, आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, कब तक सुधारे जाएंगे? देखिए, जो भांडेर अस्पताल है इसकी स्थिति काफी समय से बदहाल है, यहाँ पर डॉक्टरों की तो काफी समय से कमी है, लेडीज डॉक्टर कोई है नहीं, लेकिन जो भी बची खुची व्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी जो अस्पताल प्रबंधन है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। एक तो बिजली कटौती बेतहाशा हो रही है जिले में, उसमें सबसे ज्यादा भांडेर क्षेत्र में है और अस्पताल प्रबंधन को करना ये चाहिए था कि एक जनरेटर की व्यवस्था करवाते, जैसा कि अन्य अस्पतालों में है कि अगर लाइट जाती है तो मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर भरपूर बजट होने के बाद भी आज तक जनरेटर खरीदने का कोई प्रबंध नहीं किया गया, ना किराए पर लिया गया है, इसलिए स्थिति ये होती है जब लाइट चली जाती है तो भीषण गर्मी और उमस के मारे मरीजों का बुरा हाल हो जाता है, वो बाड़ों से निकल करके बाहर बैठ जाते हैं, इधर उधर बैठ के टाइम पास करते हैं, तो कह सकते हैं बहुत हालात खराब हैं। इसमें भगवान के भरोसे या कह जाए जो बिजली विभाग है उनके रहमो करम पर ये चल रहा है अस्पताल। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।